हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो है आज हम सुबह सुबह जो है यही रीडिंग करते हैं, तो आज भी हम सुबह सुबह यही रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं, और इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करने अच्छी बात है। अगर आपके सपोर्ट करने से किसी का भला होता है, किसी का अच्छा होता है, तो जरूर करें, मेरा ही नहीं किसी का भी। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और ब्रेसलेट की बुकिंग, ठीक है, ब्रेसलेट की बुकिंग, तीनों ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। सो जिनको बुकिंग करवानी है, फटाफट बुकिंग करवा सकते हैं। ये ब्रेसलेट का मुझे लगता है कि स्टॉक अब नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेसलेट आपको मिल जाएगा, यानी कि रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपको मिल जाएगा। और ये इसकी प्री बुकिंग हो रही है। ठीक है, ये जिन जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए ही मंगाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है। सो इसके वजह से लोग जो है ना, हर कोई नहीं ले पाता है, लेकिन ये जो ब्रेसलेट है ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये ब्रेसलेट मनी के लिए है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का ब्रेसलेट आप देख रहे हैं, ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। सो देखते हैं कार्ड्स क्या क्या आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, यहाँ कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है इस पर्सन की। आपके पर्सन काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी काफी अच्छी है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रांग सी फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक, इनकी फीलिंग्स में मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं इनके सामने, जो कि ये पर्सन को डील करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन का दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन की भी चाहत है कि आपके साथ इनका जो रिलेशन है ये आगे जाए। ठीक है, आगे तक जाना है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पे तो यही दिख रहा है कार्ड्स में। चलो अदर कार्ड्स की बात करते हैं, यानी कि इन कार्ड्स की बात करते हैं कि और क्या सिचुएशंस हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो इंटेंसिटी का कार्ड है, स्ट्रगलिंग, कॉम्प्लीशन का कार्ड, रिजेक्शन का कार्ड, प्रोजेक्शन, द सोर्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आप लोगों के रिलेशनशिप का जो स्टेटस में देख पा रही हूँ, या रिलेशनशिप में जो हो रहा है वो देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन को काफी ज्यादा डराया जाता है। मतलब कि इनकी फैमिली की तरफ से इस आपके पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है। ठीक है, फैमिली की तरफ से परेशानी है, फैमिली जो है नहीं चाहती है कि हाँ ऐसा कुछ हो, यानी कि रिलेशनशिप आगे बढ़े आपके साथ वो भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, दिख रहा है कि आपके पर्सन को काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि नहीं, तुमको नहीं करना है, ऐसे नहीं करो, है ना, तुम्हारे लिए वो सही नहीं है, तुम्हें कोई और भी मिल सकता है, कोई अच्छा पर्सन मिल सकता है, तुम उसे देख सकते हो, तुम बार बार उसे क्यों देख रहे हो। तो आपके पर्सन जो है इस वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है कि उस टाइम ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, काफी परेशान हो चुके थे, काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे ये पर्सन, और बार बार इनको वही चीजें जो है ना कही जा रही थी कि अरे तुम
तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुम मत करो उसके साथ शादी, या फिर अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करो, क्योंकि तुम जो है ना बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को काफी हद तक जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि होता है कि हाँ डरा के धमका के रखना, तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा, ठीक है, कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे। यहाँ की एनर्जी क्लियर है, आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर है कि आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में सोच करके, देखो ये पर्सन जानते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि आपका और इनका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ऊपर वाले की मर्जी से बना हुआ है। ऊपर वाला जो है ना वो बैठ करके सारे गेम को खेल रहा है, सो वैसे ये आपके साथ भी खेल रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिचुएशन जो है ना इनके इनके कर्मा से बना है या फिर इनके लिए ही ईश्वर ने बनाया है, सो उसमें ढलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना दिख रहा है जैसे कि ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि आपका स्टेट अलग हो सकता है, आपकी कंट्री अलग हो सकती है, ठीक, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कार्ड्स की। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, मुझे आपके पर्सन जो है ना मुझे काफी ज्यादा एक पैशन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन जो है ना कि काफी ज्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, कि हाँ आपके तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपके तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ जो है ना आना चाहते हैं, मुझे तो यहाँ पे यही नजर आ रहा है। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना पूरी तरह से अपने पावर में है, ठीक है, पूरी तरीके से अपने पावर में है, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी में है। यहाँ पे पूरे तरीके से नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके पास, ठीक है, ये दिल से आपके पास आना चाहते हैं, दिल से, ठीक। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है। चलो सारे कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं और कुछ अदर कार्ड्स भी निकालेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, डेंसिटी का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एकदम से ये पर्सन जो है ना एक्शन लेने वाले हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, एकदम एक्शन लेके ही मानेंगे ये पर्सन। ये पर्सन का ऐसा है कि मैं एक्शन लूंगा तो लूंगा, एक जिद्दी टाइप के पर्सन है आपके, एकदम जिद सी बड़ी हुई है इनके अंदर, ठीक है। ये पर्सन इतना ज्यादा जिद्दी है कि समझ नहीं पाते हैं कि ये कभी कभी जो है ना डिसीजन जो लेते हैं ना अपने गुस्से में, अपने एटीट्यूड में, कि वो गलत हो जाता है और इनको ही भारी पड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा जिद्दी हैं और ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी फीलिंग्स दिख रही है कि हाँ एक्शन तो लेना है, ठीक है, एक्शन तो लेना है, चाहे आज लूं कल लूं या फिर कभी लूं, लेकिन एक्शन तो मैं लूंगा, ठीक है। द टावर, कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है आपके साथ, देखो आपके साथ जो चीजें हुई है ना, आपके साथ जो रिलेशन रहा है इनका, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जो है ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ये किसी तीसरे के कारण से आई है, तो उसके बारे में ये पर्सन जो है ना सोचते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं कि ये क्या है ना, ये क्या है, क्यों हो रहा है बार बार, क्यों मुझे इस सिचुएशन को बार बार जो है ना झेलना पड़ रहा है, क्यों मैं बार बार इसी तरीके से यहीं पे आकर के रुक जा रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन जो है ना मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा एकदम से होता है ना कि डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। उन लम्हों को, उन पलों को काफी ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपके साथ ये इन्होंने बिताए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है ना आपको ऑलरेडी अपनी वाइफ मान चुके हैं, आपको ऑलरेडी अपने दिल की शहजादी
मानते हैं ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ही अच्छी सी ऊर्जा रखते हैं, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी रखते हैं आपके लिए। और यहाँ पे दिखता है आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ना आपको रोज ही ठीक है याद करते हैं, ठीक है, रोज ही बहुत ज्यादा। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इतना ज्यादा टूट चुके हैं, मैं इनको इतना ज्यादा टूटते हुए भी नजर, मतलब कि दिख रहा है कि मैं इनको टूटते हुए भी देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनका जो है ना इनकी एनर्जी के अनुसार से तड़पते हुए भी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को बहुत ज्यादा, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि मैं जो है ना आपके पर्सन को तड़पते हुए भी देख पा रही हूँ आपके लिए, और बहुत 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 ज्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, ये अपने डर को खत्म करके जो है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने डर को, अपने जो सिचुएशन है इस डर को खत्म करके, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अपने सिचुएशन को खत्म करके ये आपकी तरफ, ठीक है, बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूं कि ये पर्सन जो है ना बहुत पॉजिटिव है, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, और मैनिफेस्टेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना एकदम हो जाए, एकदम बन जाए, एकदम कंफर्म हो जाए आपका कनेक्शन। काफी अच्छी सी ये टेक्निक का यूज कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही अच्छी सी टेक्निक का यूज करते हुए मैं इनको देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ईश्वर ने बनाया है, तभी आप दोनों मिले हो, ठीक। तो ये डरने से और ये करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो इनकी लाइफ में कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो या फिर मदर इशू हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि मदर काफी ज्यादा माइंड से शार्प नजर आ रही हैं, काफी रूड नजर आ रही हैं। इनको अपने से मतलब होता है, अपने बच्चे की खुशियां कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरीके से ये बिहेव करती हैं। आपके पर्सन जो है ना काफी ज्यादा इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि इनका जो कहना है वो मानना पड़ता है, वो मानना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है ना कि बहुत 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 इस लेडी से बहुत ज्यादा डरते हैं, यानी कि इनकी अगर मॉम है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डरते हैं, इनकी सिस्टर है, भाभी है, तो भी बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक। कुछ बोलने से पहले हजार बार सोचना, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन जो है ना अपने अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये पर्सन किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड एकदम दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आप दोनों जो है ना यहाँ पे या तो मैरिड हो आप दोनों किसी दूसरे पर्सन से, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो लेकिन अलग अलग रह रहे हो, ऐसा भी है, ऐसा कार्ड आ रहा है कि हाँ ऐसा भी है। क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना यहाँ पे मदर इश्यूज हैं, या हो सकता है कि फादर इश्यूज भी हो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो टावर का कार्ड है, टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये सिचुएशन खत्म होते हुए नजर आ रही है। देखो कोई भी चीज होती है तो वो सिचुएशन कुछ टाइम के लिए आती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे वही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच का रिलेशनशिप जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके जो है ना ये खत्म हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके जो कार्ड्स है क्लियरली बता रहे हैं कि हाँ
आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन सही हो जाएगी। बस स्ट्रेंथ के साथ रहने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की भी जरूरत है, क्योंकि हम कंट्रोल करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ पाएंगे, वरना लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो है ना आपको थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखने की जरूरत है, मैं ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर ऑन करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।